हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश द पास्ट इन द प्रेजेंट 2.6। डियर चिल्ड्रन, ये बहुत ही प्यारा सा एक ड्रामा है, प्ले है, मतलब नाटक है। ये एक स्टेज पे ये शो चल रहा है। आई बस समझ में, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ जिससे कि आपको स्टोरी सब समझ में अच्छे से आएगी। इसमें एक नील नाम का लड़का रहता है और उसकी एक मदर होती है, ठीक है। नील नाम का ये जो लड़का यहाँ पे दिख रहा है ना, नील और उसकी मम्मी। तो नील क्या है, कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब ये जो प्ले है ना, शुरू कैसे होता है कि नील जो है अपना काम ढंग से नहीं करता है, बिस्तर वगैरह ठीक से नहीं लगाता है, अच्छे से सेट नहीं करता है। तो उसकी मम्मी उसको समझा रही होती है कि बेटा ऐसा करो, वैसे करो, आपको अच्छे से रहना चाहिए, ये सब बता रही है, ठीक है। तो तभी उसकी नील की जो मम्मी है ना, तो जब नील नहीं सुनता है ना, तो नील की मम्मी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में बताती हूँ, मैं तुम्हारे दादाजी के बारे में बताती हूँ, जब तुम्हारे जैसे थे तो वो कितना सारा काम करते थे। आई बात समझ में? तो जब ये बताती है तो उसकी ग्रैंडपा की जो मम्मी रहती है ना, वो उसकी ग्रैंडपा के बारे में बताती हैं। तो बच्चों, ये सिर्फ बताना नहीं है, ये जो ड्रामा है ना, इसमें ये लोग सामने दिख जाते हैं। अच्छा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, चलो हम स्टोरी से समझ लेते हैं। बिना स्टोरी, बिना इसको पढ़े हम नहीं समझ सकते हैं। ये सब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सब सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सब इस प्ले में इसके अंदर आएंगे, यहाँ से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। सीन है अ टिपिकल टीनेज बॉयज रूम, ओके, इन अ मेस्ड अप स्टेट। देखो, ये सीन ऐसा है कि एक जैसे थोड़ा कैसा लड़का है, बहुत टिपिकल, मतलब एकदम काम, थोड़ा आप बोल सकते हो जो एकदम से अनटैडी सब सामान रखे, मेस्ड मतलब अनटैडी, ठीक है। तो एक रूम है जिसमें बिस्तर एकदम अनटाइडी है, सब सामान बिखरा पड़ा है। सीन यहाँ से शुरू होता है। नील, देखो नील बोलता है, क्या बोलता है, मॉम आई पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर जस्ट एज यू आस्क मी टू। बोलता है मम्मी मैंने बर्तनों को डिश वॉशर में, जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ पे रख दिया है, जैसे आपने मुझे बोला था वैसे मैंने कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू आउट टू मीट माई फ्रेंड्स, अब मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, ओके। इतना तो नील ने बोला। एंटर मॉम इन अ मोड आउटफिट, मोड आउटफिट मतलब एकदम मॉडर्न क्लोथ, ओके। तो एक मम्मी एंट्री करती है, एकदम मॉडर्न कपड़े पहने हुई रहती है, एक मम्मी एंट्री करती है, ठीक है, एंट्री होती है। वो कौन है, नील की मॉम है। वो नील की मॉम क्या बोल रही है, यू हैवेंट क्लीन्ड अप योर रूम, तुमने अपने रूम को साफ़ नहीं किया है। नील की मम्मी ने बोला कि तुमने अपना रूम साफ़ नहीं किया है। तो नील क्या बोलता है, आओ आई क्लीन्ड इट ओनली 2 days ago। बोलता है ओ मम्मा, मैंने तो इसको 2 दिन पहले ही साफ़ किया था। अब मॉम क्या कहती हैं, यू हैव टू क्लीन इट, क्लीन इट अप एवरी डे, तुमको हर दिन इसे साफ़ करना है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? तो अब नील क्या, अभी देखो ये जो ब्रैकेट में आएगा ना, ये सीन है, ये कौन सा सीन है, उस समय क्या चल रहा है वो आपको दिखेगा जो रेड में आ रहा है। तो क्या है देख लेते हैं। पिकिंग अप, नील क्या कर रहा है, सुनो, पिकिंग अप हिज बुक्स क्लोथ्स हेडफोन्स एटसेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड बेड एंड पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस। नील बुक उठा रहा है, सब कपड़े उठा रहा है, हेडफोन सब जो ज़मीन पे बिखरा पड़ा था ना बिस्तर पे, वो सब उठा रहा है और सबको अब उसको अच्छे अच्छे सही जगह पे रख रहा है। ये रखते हुए ये सीन दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो अब नील इतना करते हुए क्या बोल के आ रहा है, नील ये देखिए, नील बोल रहा है इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे, इज़ इट नेसेसरी, क्या इसे रोज़ साफ़ करना ज़रूरी है, वॉट डिफरेंसेस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या इसको रोज़ साफ करें, क्या मतलब रोज़ रोज। मॉम बोलती है इट डज, फ़र्क पड़ता है, इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट द राइट एटीट्यूड, ये अच्छी आदतें पकड़ाता है, मतलब अच्छी आदत बनाता है, अच्छा व्यवहार बनता है, एटीट्यूड मतलब आपकी जो आपका चाल चलन है ये सब सही होता है। नील बोलता है कट सर शॉर्ट, उसे बीच में कट करते हुए, अपनी माँ जब इतना बोली ना बीच में ही कट कर दिया उनकी बात को, बोलते ऑल राइट आई गेट एनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज ऑन, बोलता है ठीक है जब स्कूल खुलता है तो मुझे वैसे बहुत लेक्चर सुनना पड़ता है,
अब देखो मॉम क्या बोल रही है, आफ्टर नील फिनिशेज हिज चोर्स, चोर्स मतलब ऐसा बोरिंग काम, मतलब बहुत सारे काम काज, तो नील जब अपना काम ख़त्म कर लेता है ना, तो मॉम क्या बोलती है, देखिए मॉम बोलती है दैट लुक्स मच बेटर नाउ बट यू फॉरगॉट टू मेक योर बेड, डू दैट एंड यू मे गो आउट। तो सब सामान तो सेट कर लिया, अच्छे से रख लिया सब सामान, बहुत अनटैडी था, इधर तो बिखरा पड़ा था, तो उसकी मम्मी बोलती है चलो भाई ठीक है, अच्छा दिख रहा है अभी, पर तुम भूल गए हो बेटा अपना बिस्तर बनाना, जाओ अपना बिस्तर बनाओ, इसे बनाओ तब बाहर जाओ। नील एकदम इरिटेट हो जाता है, यहाँ लिखा ना इरिटेटेड, एकदम इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है मॉम इट्स गेटिंग लेट, मम्मी लेट हो रहा है, मुझे देर हो रही है, द बेड इज़ गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, बोलता है बिस्तर से फिर से गंदा, फिर से बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा जब मैं लंच के बाद दोपहर में सोने जाऊँगा, तो वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड, वाई, बोलता है मुझे बिस्तर क्यों, मैं बिस्तर क्यों बनाऊँ, क्यों, ओके क्या ज़रूरत है मुझे बनाने की। मॉम कहती है दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हियर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा। अब बच्चों यहीं से शुरुआत होती है मज़ेदार स्टोरी। मॉम कहती है हाँ दैट, बच्चों ये दैट किस चीज़ के लिए है, दैट जो ये बिस्तर नहीं बना रहा है ना, ऐसा जवाब दे रहा है कि क्या मतलब बना के, तो इसी उसी बात को दैट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बात है तुम्हारी, मॉम कहती है ये तुमने बोला ना, इस बात से मुझे तुम्हारी, मुझे कुछ याद आता है, कुछ याद दिला रहा है ये बात मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में, मैंने सुना है, क्या सुना है वो देखो बताती हैं। When he was in his teens, मतलब तुम्हारे एज के थे वो, जैसे teens मतलब हो सकता है 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, teens, I was a teenager, okay, तो जब वो तुम्हारे एज के थे, तो अभी देखो नील की मम्मी नील के दादा के बारे में बता रही हैं, ठीक है, इसमें क्या है स्टोरी में पता है, नील की मम्मी उसके दादा के बारे में बताएंगी, और उसके दादा की मम्मी उनके, मतलब नील के दादा के दादा के बारे में, ऐसे ही दादा के दादा के दादा के बारे में, दादा के दादा के दादा के बारे में, यही होने वाला है इसमें, ठीक है। और इसमें से बात कहीं नहीं जा रही है, ये इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। ही हैड मैनी मोर डेली चोर्स टू फिनिश एंड मच टफर वंस टू, वो बता रही है नील की मम्मी नील के दादा के बारे में, कह रही है कि वो दिन भर बहुत सारा काम करते थे, सब फिनिश करते थे अच्छे से, और बहुत हार्ड हार्ड काम करते थे वो, ठीक है। मॉम बोल रही है, अब देखो फिर से वही, ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फाइनली, उस दिन उनकी मम्मी ने बहुत दृढ़ता से, बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली बोला। देखो बच्चों, अब जब हम आगे के दूसरे फैमिली के बारे में हम यहाँ पे जानने जा रहे हैं, तो ये पहले वाले जो है ना नील और उसकी जो मम्मी है ना, ऐसे मूव हो जाएंगे, पीछे हटेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीन, ये प्ले चल रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950s वेयरिंग लूज ट्राउजर्स एंड शर्ट एंटर्स विथ हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी। अब जिसकी बात की जा रही है ना, उसकी एंट्री भी हो जा रही है, सिर्फ कहीं नहीं जा रही है, वो एकदम लाइव हो जा रहा है वो सब चीज़, ठीक है। तो 1950s की बात चल रही थी, उसके दादा थे, ओके 1950s के समय के थे, 1950s मतलब हो सकता है 1951 के, 1952 के, 59 के पहले तक के, ठीक है। तो हाँ, वेयरिंग लूज ट्राउजर, एकदम ढीला ढीला पैजामा शर्ट, ठीक है, एंटर्स विथ हिज मदर, एक लड़का ऐसे एंटर करता है और अपनी मम्मी के साथ, जो कि एकदम सिल्क साड़ी पहनी है, रेशम की साड़ी पहनी है। तो अब देखो द बॉयज मदर, ये बॉयज मदर कौन, नील के दादा की मम्मी, याद रखना नील के दादा की मम्मी, ये बॉयज मदर बोलती है मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले अपना बिस्तर सही करो। 1950s बॉयज मतलब नील के दादाजी बोल रहे हैं, बट मम्मा आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन ब्रॉट, एक सेकेंड, हाँ देखिए कहाँ पर थे हम लोग, हाँ बट मम्मा आई हैव ऑलरेडी
वॉटर द गार्डन, बोलते हैं मम्मा लेकिन मैंने तो पहले से ही गार्डन में पानी दे दी है, और ब्रॉट होम द ग्रोसरीज, सब राशन के सामान घर पे लाई है, डस्टेड द लिविंग रूम, लिविंग रूम को मैंने अच्छे साफ कर दिया है, अपने बाइसिकल को भी मैंने साफ कर दिया है, नाउ व्हाई डू आई नीड टू मेक माय बेड, अब मुझे मेरी बिस्तर बनाने की क्या ज़रूरत है। द बॉयज़ मदर, मतलब ये नील के दादाजी बोल रहे हैं ये उसकी मम्मी से, नील की मम्मी से नहीं, बात ध्यान रखना, अब नील की मम्मी तो अभी पीछे छूट गई है, ठीक है, अंदर बात चल रही है, वो मतलब रोल के अंदर रोल अलग अलग, अंदर अंदर बहुत सारे रोल आएंगे, सब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लड़का है बॉयज़ मदर, मतलब ये नील के दादाजी अपनी मम्मी से बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज, सॉरी बॉयज़ मदर, ये लड़के की मम्मी बोल रही हैं, ठीक है, बॉयज़ मम्मी मतलब नील के दादा की मम्मी अपने बच्चे से, अपने सन से कह रही हैं, देखो लेट मी टेल, मुझे कहने दो, मुझे, मैं बताऊंगी अभी तुमको तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में, जब तुम्हारे एज के थे, जब वो टीनेजर्स थे, तो अब सुनो, नील के दादा को उसके दादा के बारे में सुनना पड़ रहा है, अब जब सीन में उसके दादा आएंगे तो उनको उनके दादा के बारे में सुनना पड़ेगा एक बिस्तर बनाने के लिए, ठीक है, देखना। 1950s बॉय एंड मदर रिसीड एंड स्टैंड बिहाइंड एंड 1910 बॉय एंटर्स ड्रेस्ड इन कुर्ता पैजामा एंड कैप विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी नोज रिंग एंड ज्वेलरी। देखो अब सुनो बच्चों, ये ध्यान दो, अब 1950s के लड़के और उसकी मम्मी, 1950s का कौन था, नील के ग्रैंडपा थे ना, और उसकी मम्मी, ये लोग रिसीट पीछे पीछे खिसकते हैं। अब सीन में कौन आता है, 1910 का बॉय और उसकी मम्मी, उनका कपड़ा कैसा होता है, कुर्ता पैजामा पहना रहता है लड़का, कैप लगा रहता है, उसकी मम्मी 9 meter की साड़ी पहनी रहती है, 9 meter की, साड़ी 5 meter का होता है वो, 9 meter की साड़ी, एक साड़ी होती है महाराष्ट्रियन साड़ी जो पीछे से धोती जैसा ऐसा रहता है, वो धोती जैसे पहनते हैं, धोती कुर्ता वैसे धोती जैसा पीछे से गया रहता है, ठीक है, और नाक में ऐसा रिंग गोल सा बड़ा सा पहनी है नाक में, नोज पिन, और गहना वहना अच्छे से पहनी है, ठीक है। तो एंट्री होती है किसकी, 1910 के मदर और उसके बेटे की। 1910 मदर क्या कहती है अपने बच्चे से, आइए देखते हैं। वो कहती है, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक कि तुम अपना बिस्तर सही ना करो, ठीक है, मतलब बिना बिस्तर सही किए तुम बाहर नहीं जा सकते। 1910 बॉय, मतलब 1910 के समय के जो लड़के हैं वो बोल रहे, मम्मी आई फेच्ड वाटर एंड फिल्ड अप द पॉट्स, स्वेप द टेरेस, कलेक्टेड वुड फॉर द स्टोव, क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन्स, इतना सारा काम उन्होंने बता दिया। उन्होंने बोला, मम्मी मैंने तो अभी पानी भरा, बर्तनों में पानी भरा, और टेरेस को अच्छा साफ़ किया, सब लकड़ियाँ आग जलाने के लिए मैंने क्या क्या इकट्ठा किया, और ग्राइंडिंग स्टोन मतलब चक्की होता है, चक्की स्टोन पत्थर का चक्की होता है, होता था पहले, उसमें सब गेहूँ वगैरह वीट राइस ये सब जो पीसने का वो करता था, ऐसा गोल ऐसा, देखो ऐसे ऐसे गोल सा रहता था, फिर इसके ऊपर भी एक गोल सा रहता था, बाद में ऐसे हैंडल जैसा रहता था, इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था, ऐसे 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 घुमाया जाता था, फिर नीचे से सब आटा और जो भी था पीस के नीचे आता था, आई बात समझ में। तो उस समय की आज भी गाँव में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो बोल रहा है कि मैंने ग्राइंडिंग स्टोन को भी अच्छे साफ कर दिया है, ठीक है बच्चों। ये इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है, ये लोग एग्जांपल दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों के ग्रैंडपा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं कि वो लोग पहले कितना सारा काम किया करते थे, तुम लोग को इतना सा काम करने में थक जाते हो। तो अब देखो, अब जब ये बात हुई ना, तो अब वो जो प्रेजेंट टाइम का वो जो बच्चा है नील, वो क्या, वो ये सब उसकी सारी बात उसकी मम्मी बता रही है ना। तो अभी जो नील है वो अपनी मॉम से क्या कह रहा है बच्चों, वो बोल रहा है, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये ग्राइंडिंग स्टोन्स क्या होता है, ओह यस दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स इन दोज डेज, उसको समझ में आ जाता है, बोलता ओ हाँ उस समय तो कोई भी उन दिनों इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का इतना वो सब नहीं था ना,
तो इसके लिए वो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स नहीं था, उसको समझ में आ जाता है। मॉम बोलती है नो इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोस्ट टाउन्स इन सिटीज इन इंडिया देन, मतलब इंडिया के बहुत सारे सिटी और विलेजेस में नहीं था ये सब। नील सरप्राइज्ड हो जाता है एकदम से, अच्छा ऐसा है। तो अब सुनो, 1910 के जो बॉय हैं, अभी उनकी मम्मी से बात हो रही थी ना, तो अब सुनो ये कहते हैं, आई प्रॉमिस टू गो टू रिवर साइड विथ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से नदी के किनारे जाने का प्रॉमिस किया था। वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड नाउ, मुझे मैं अभी क्यों बनाऊँ बिस्तर अभी इस समय, मतलब मुझे तो बाहर जाना है। द बॉयज़ मदर, बॉयज़ उसकी लड़के की जो माँ है, अपने बेटे से कहती है, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंड फादर हु लिव्ड इन द 19th century वैन ही वॉज यंग। अब इनकी मम्मी बता रही है उनके दादाजी के बारे में कि भाई मैं तुम्हारे दादाजी के बारे में बताती हूँ कि वो क्या क्या करते हैं। अब देखो सीन, देखो सीन कैसे चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं। 1910 बॉय एंड मदर रिसीड, अब ये जो है ना 1910 बॉय और उसकी जो मम्मी है वो लोग ऐसे पीछे हटते हैं, ठीक है। अब उससे पहले का और उसके मतलब और पास्ट के लोग की एंट्री इधर होती है, ठीक है। ये देखो 1800 बॉय एंटर्स इन धोती कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। अब 1800 के बॉय और उसके धोती पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए और ऊपर एक छोटी सी पगड़ी लगाए हुए वो एंट्री करता है। उसकी मम्मी 9 meter की साड़ी, वही नवारी या मवारी कुछ ऐसा बोलते हैं, वो साड़ी पहनी है और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है, मतलब पुराने ज़माने का एकदम क्लासिकल, एकदम पुराने ज़माने की कुछ ऐसे आभूषण वो पहनी है। तो 1800 की जो मदर है, अब एंट्री तो हो गई है, वो मम्मी बोलती हैं, सन मेक एवरीवन्स बेड, बेटा सबके बिस्तर सही करो, सबके बिस्तर बनाओ, अपना ही नहीं ये बोल रही हैं सबका बनाना है अभी, अब ठीक है। तो अब देखते हैं 1800 बॉय क्या बोलता है, मदर डियर, प्यारी माँ, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स एट द रिवर, पुट देम अप टू ड्राई, बोलता है कि एक सेकंड, हाँ बोलता है मम्मी, कहाँ पे गए हम लोग, यस आई हैव वॉश्ड, मैंने कपड़े धो दिए है नदी के पास जाके, ओके एंड पुट देम अप, और सुखाने के लिए भी रख दिया है। आई ऑल्सो चॉप द वुड, मैंने लकड़ी को भी ऐसे से काट दिया है। फिक्स द ब्रोकन फेंस, फेंस मतलब जो देखो जैसे घर होता है किनारे किनारे दीवार, मतलब ऐसा कुछ तार से घिरा हुआ रहता है, तो वो उसका टूट गया था, तो बोल रहा है उसको मैंने फेंस को बना भी दिया है, ठीक है, ब्रोकन फेंस को मैंने सही भी कर दिया है। टुक द गोट्स अप द हिल टू ग्रेज, और चरने के लिए गाय, अरे बकरियों को चरने के लिए मैंने पहाड़ियों पर ऐसे मैं लेकर गया, उसको वहाँ पे छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू प्ले आत्या पत्या विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ आत्या पत्या एक खेल बच्चों उनके साथ में खेलना चाहता हूँ। वाई डू आई हैव टू मेक द बेड्स, मुझे बिस्तर क्यों बनाना, क्यों बनाऊँ मैं, ठीक है मैं खेलने जा रहा हूँ तो बिस्तर लगा क्या मतलब, ऐसा उसका कहने का मतलब है। द बॉयज़ मदर, अब उस लड़के की माँ क्या कहती है, दैट्स योर डेली वॉक, वो तुम्हारा रोज का काम है। योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डिड इवन मोर, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो इससे भी ज़्यादा काम करते थे। ना गो एंड मेक द बेड्स, जाओ और बिस्तर सही करो। अब 1800 बॉय एंड मदर रिसीड, अब 1800 के ये जो ये लोग चल रहे थे ना, अब ये लोग जो थे ये लोग पीछे खिसकते हैं, वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड, जो और जो लोग दो लोग ऐसे खिसके हैं ना पीछे गए ना वो लोग सीन में, आई बात समझ में, तो वहाँ पर ये लोग भी चले जाते हैं, ये माँ बेटे चले जाते हैं। तो एंट्री किसकी होती है, एंटर्स 1500 बॉय ड्रेस्ड अप इन अ लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप एंड शॉर्ट धोती विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी। तो एक लड़का अपनी मम्मी के साथ आता है, लड़का वी नेक का ऐसा वी शेप का, वी उसका नेक है ना वी, ऐसा वी शेप में उसका जो कुर्ता है ऐसे रहता है, ठीक है वी शेप में, और हाँ क्या पहनाता है, स्लीवलेस लूज ऐसा सब कपड़ा पहनाता है, और उसकी मम्मी 9 meter की साड़ी पहनी देती हैं। ये लोग आ जाते हैं, तो अभी देखो नील, अब वो ये प्रेजेंट, ये मॉडर्न वाला बच्चा है, नील प्रेजेंट में है, वो ध्यान देना आप, हाँ नील जब भी नाम आएगा तो वो
प्रेजेंट वाले हैं, बाकी के जो लोग हैं सब पास्ट के लोग हैं। नील अब इसी बीच क्या कहता है, एंड दिस फोर फादर ऑफ माइन इज फ्रॉम, अब नील बोलता है कि ये जो मेरे पूर्वज हैं, ये जो अभी आए वो कौन से सन के हैं, मतलब किस समय के हैं, वो कौन से सेंचुरी के हैं। तो मॉम बोलती है द 16th century, है बस में 16वीं शताब्दी के। तो अब 1500 बॉय आ गया, 1500 बॉय बोलता है माय डियर मदर आई हैव ऑलरेडी मिल्क द काउस टेकन देम टू ग्रेस, मेरी प्यारी माँ मैंने गायों से दूध निकाल लिया है पहले ही और उनको चरने के लिए छोड़ दिया है। और हाँ, फेच वेजिटेबल्स फ्रॉम अवर फार्म, खेतों से मैंने अपने खेतों से मैंने हमारे हम अरे यार हमारे खेतों से वेजिटेबल्स भर लिया है, ला दिया है मैंने, और क्या कर दिया उसको स्टैक दे, मतलब अच्छे से ऐसे एकदम सब खड़ा करके रख दिया, अच्छे से मतलब ढंग से रख दिया है। स्वैप द बैक यार्ड एंड फ्रंट यार्ड, घर के आगे का आंगन और घर के पीछे का आंगन, ये सब मैंने साफ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है। नाउ मे आई प्लीज़ गो टू प्ले अस्तपदा विथ कौन नाम है, संपत भाऊ कोई लड़का रहा होगा उनका दोस्त, एंड महादेव भाऊ ये कोई उनके फ्रेंड रहे होंगे, तो बोले इनके साथ में जाओ अस्तपदा खेलने। अस्तपदा एक खेल है, आज भी उसका रूप है पर इसका नाम पुराने ज़माने में यही था। वाई शुड आई मेक माई बेड नाउ, मैं अभी बिस्तर क्यों बनाने चलूँ, क्यों बनाऊँ। तो अब देखो क्या होता है, तो अब उसकी मम्मी क्या कहती है, इतना सुनने के बाद उसकी मम्मी क्या कहती है बच्चों, द बॉयज़ मदर, बॉयज़ की जो है मम्मी बोलती है लड़के की, वाई डोंट टॉक बैक, क्यों डोंट टॉक बैक, ऐसा मत बोलो दोबारा, मतलब मत बोलना ऐसा, थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट 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 ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अबाउट 14 years old, अपने महान अपने डबल मतलब दो बार वाले ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के बारे में सोचो, कैसे थे जब 14 years के थे ना, तो सोचो उनके बारे में। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, सब लोग सब माँ अपने बच्चों के ग्रैंडफादर के बारे में एग्जांपल देके बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। 1500 बॉय एंड हिज मदर रिसीड, अब 1500 बॉयज उसके जो मम्मी थी लड़का और उसकी मदर ऐसे पीछे हटते हैं, अब दूसरे की एंट्री होती है, दूसरे की एंट्री मतलब और पास्ट वाले लोग आ जाते हैं, कब 1000 बॉय इन अ फ्लैट ट्यूनिक एंड चूड़ीदार वेस्ट बैंड एंड टर्बन विथ हिज मदर इन अ साड़ी अपर गारमेंट एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी। देखो बच्चों अब ये और पुराने ज़माने में घुस गए, किसकी एंट्री होती है, कैसे लोग हैं, वो लोग क्या पहने हैं, देखो वो लड़का जो चूड़ीदार सलवार उसका है मतलब पाजामा चूड़ीदार है, ऊपर एकदम थोड़ा कपड़ा ऐसा पहना है, ओके आप देखो उसमें दिख रहा है आपके इसमें नीचे फोटो में यहाँ पे दिख रहा है, ये तो मदर है उसके पास खड़ा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और मम्मी क्या पहनी है, हाँ मम्मी बहुत सारे गहने पहनी है और साड़ी पहनी है, ओके बहुत चमकदार कपड़ा, हाँ फ्लैट ट्यूनिक मतलब चमकदार कुर्ता पहना है बच्चा, चूड़ीदार उसका नीचे चूड़ीदार पजामा रहता है और वेस्ट उसका जो कमर के पास एक ऐसा बंधा हुआ बैंड जैसा रहता है, ठीक है ये सब है अच्छे से बताता है इसका हुलिया। और उसकी मम्मी ज्वेलरी पहनी रहती है, साड़ी पहनी रहती है, ये देखो ये लड़का है ना ये। तो अब देखो क्या होता है, 1000 जो बॉय है वो क्या बोलते हैं, मोस्ट रिवर्ड, देखो मोस्ट रिवर्ड मदर मतलब मोस्ट रिवर्ड मतलब क्या है कि रेस्पेक्टेड, रिवर्ड मतलब क्या हुआ बच्चों एकदम रेस्पेक्टेड, ओके तो बोलता है मोस्ट रेस्पेक्टेड मदर, रिवर्ड मतलब मोस्ट रेस्पेक्टेड मदर आई हैव फेच्ड, एक सेकेंड, आई हैव फेच्ड वाटर फ्रॉम द लेक एंड पोर्ड इट इन टू द फार्म चैनल्स टू वाटर आवर क्रॉप्स, ये बोल रहे हैं बहुत मतलब जितने आप पास में जाओगे ना वो लोग और हार्ड वर्कर रहते थे, इसके लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और ये सारा एग्जाम्पल किसके लिए है, हम सबके लिए है, आपके लिए है जो प्रेजेंट में इसको सुन रहे हैं, ओके समझ लीजिए नील कौन आप हो, आई बात समझ में। तो चलिए देखिए,
तो बच्चा बोल रहा है कि मैंने पानी भर दिया है, कहाँ से, झील से लाकर, लेक से लाकर, और उसको डाल दिया है किसमें, खेतों में डाल दिया है, और हमारा जो चैनल्स है ना पानी का, उसको वाटर, हाँ, क्रॉप्स में पानी दे दिया फसलों को, और चैनल्स को एकदम, जो ब्लॉक था चैनल्स उसको मैंने एकदम साफ कर दिया है, ठीक है, और वीट्स मतलब जो कचरे वचरे ना, और सब निकाल दिया है, ठीक है। एट होम आई पैच द मड वॉल्स, बच्चों पुराने ज़माने में मिट्टी के दीवार हुआ करते थे, तो यहाँ पे वो बच्चा बोल रहा है कि वो जो दीवार है ना, जो क्या हो गए थे, क्रैक्स हो गए थे, जगह 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 सब टूट गए थे, उसमें मैंने मिट्टी भर के, उसको मिट्टी को भर के अच्छे से एकदम प्लेन कर दिया है, मतलब ये सारा काम मैंने किया है। नाउ आई हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और करने का टाइम नहीं है। आई विश टू गो टू वॉच द पपेट शो, मैं इच्छा रखता हूँ कठपुतली का शो, उस समय ऐसा पपेट शो चला करता था, टीवी भी नहीं था ना, तो मैं पपेट शो देखना चाहता हूँ, मैं विश कर रहा हूँ देखने जाने का, ठीक है, पपेट शो। तो व्हाई डू आई हैव टू मेक माय बेड, तो मैं बिस्तर क्यों बनाऊँ अभी जब मैं बाहर जा रहा हूँ पपेट शो देखने, तो ये बिस्तर लगा के क्या करूँगा मैं। तो द बॉयज़ मदर, अब लड़के की माँ बोलती है, याद रखना कौन सी, थाउजेंड जो क्या है समय की बात है, उस समय की जो जो माँ है वो इस बच्चे की माँ, वो बोल रही है कि डू नॉट ग्रम्बल डियर सन, बड़बड़ाओ मत प्यारे बच्चे, प्यारे मेरे सन, ओके, योर ट्रिपल ग्रेट ट्रिपल ग्रेट ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडफादर हैड टू डू मच मोर व्हेन ही वाज योर एज। और फिर से ये बच्चे ने ऐसा जवाब दिया, तो मम्मी ने फिर इसके दादा के बारे में बड़ी बातें बताने लगी। चलो उनके बारे में सुनते, क्या करते थे वो दादाजी, इनके दादाजी क्या करते थे, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, थाउजेंड बॉय एंड हिज मदर, अच्छा जब जब नए दादाजी लोग आ रहे हैं ना, तो ये पहले वाले मूव हो जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, आई बस समझ में। तो थाउजेंड बॉय एंड हिज मदर सीट, अब ये लोग खिसक लेते हैं पीछे, अब आ गए, ये बातें बता रही हैं तो सीधा वो एंट्री कर ले रहे हैं बातों बातों में। एंटर्स फर्स्ट सेंचुरी सी ई क्राइस्ट एरा, ओके, सी ई बॉय ड्रेस्ड इन धोती एंड वेस्ट बैंड नो शर्ट एंड हिज मदर इन अ साड़ी एंड एन अपर गारमेंट एंड बीड्स ज्वेलरी। चलो तो फर्स्ट सेंचुरी के ये क्राइस्ट एरा के ये आ रहे हैं, एक लड़का और उसकी मम्मी है, जो बच्चा कैसा है, और शॉर्ट नहीं पहना है भाई, और वेस्ट में कुछ ऐसा बांधा हुआ अपने कमर में, और उसकी मम्मी साड़ी पहनी है, और ऊपर जो है बहुत सारा सा गहना बीट्स का सब पहनी है वो, मोती के सब, ठीक है। ओके, तो हंड्रेड जो है ये देखो, हाँ तो यहाँ पर देखो वो जो बच्चा है हंड्रेड क्राइस्ट एरा का, अभी क्या बोलते हैं, माता देवी आई फेड द पोल्ट्री टेंडेड द शीप कैप्ट द बर्ड्स अवे फॉर 4 आवर्स इन अवर फील्ड यूजिंग अ स्लिंग आल्सो प्लास्टर द यार्ड विद डंग। मतलब जितने पहले ज़माने में जाओगे उतने पोलाइट, इतने लोग पोलाइटली बोल रहे अपने पेरेंट्स से, आई बात समझ में। तो ये कैसे बोल रहे हैं, माता देवी, सीधा माता देवी, मैंने क्या कर दिया है, बच्चों पोल्ट्री मतलब मुर्गी का जो पालते हैं ना, मुर्गी पालते हैं, हैं वगैरह, तो बोले माता देवी मैंने मुर्गियों को खाना दे दिया है, खिला दिया है, और शीप को छोड़ दिया है, टेंडर मतलब ऐसे चरने के लिए, घास चरने के लिए छोड़ दिया है, और चिड़ियों को खेतों में से मैंने 4 घंटे तक मैंने भगाया है चिड़ियों को खेतों में, यूज़ करके स्लिंग कुछ ऐसा भगाने वाला चिड़ियों को रहा होगा, उससे मैंने खेतों में 4 घंटे तक मैंने चिड़ियों को भगाने का काम किया, और ऑल्सो और भी क्या किया मैंने, जो डंग मतलब गोबर, ठीक है, गोबर से मैंने ऐसे आंगन को लीप दिया है, ऐसे ऐसे अच्छे से एकदम एकदम जो है ना, ज़मीन ऐसा प्लास्टर नहीं हुआ करता था ना, तो ऐसे गोबर लेकर अच्छे से ऐसे एकदम क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से, वो सूख जाता है बाद में, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है बच्चों। ओके चलिए आगे चलते हैं, और ऐसा आप जब गांव में जाओगे ना, अभी भी आपको ऐसा दिखेगा, और बहुत अच्छा दिखता है ये, ठीक है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं,
हाँ तो इसने इतना सारा काम कर दिया इस बच्चे ने, तो हाँ हंड्रेड से जो है क्राइस्टेरा का जो बॉय है इसने बता दिया। और क्या बोल रहा है वो, और भी बहुत सारी बात बोल रहा है। बोल रहा है आई विश टू गो एंड प्ले भाग चल विथ माई फ्रेंड्स नाउ, मैं इच्छा रखता हूँ अपने दोस्तों के साथ भाग चल खेलने के लिए। वाई डू यू विश मी टू मेक द बेड्स राइट नाउ, आप क्यों चाहती हो मुझसे कि मैं बिस्तर अभी बनाऊँ। द बॉयज़ मदर, लड़के की माँ बोलती है, ये जो लड़का है ना इसकी मम्मी बोलती हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट बॉयज हैव टू डू, बिकॉज ये तो बच्चों को करना ही है, लड़कों को करना है। लेट मी टेल, अब देखो अभी ये अब इनको भी इनके दादा के बारे में सुनना पड़ेगा। लेट मी टेल अबाउट योर एंसेस्टर 3000 years ago, 3000 years ago की बात ये बताने जा रही हैं ये जो माँ है इस बच्चे के दादाजी के बारे में, ठीक है, बहुत पुराने जमाने की बातें कहने जा रही हैं। तो अब देखो अब ये लोग खिसकेंगे, अब ये लोग पीछे जाएंगे, तो अब ये लोग एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। यस फर्स्ट सेंचुरी बॉय एंड मदर रिसीट, पीछे खिसकते हैं ये लोग फर्स्ट सेंचुरी के मदर और बॉय। और एंटर बॉय फ्रॉम 3000 BC, अभी तक हम क्राइस्टेरा देखे इधर, अब बिफोर क्राइस्टेरा की भी पहले की बात आ रही है, ठीक है। एक लड़का, और कैसा लड़का है वो, अ क्लोथ अराउंड द वेस्ट हेल्ड बाय अ कोड, देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, हम कहाँ पर थे, यस कोड मतलब रस्सी, ठीक है, लॉन्ग हेयर इन बन और पोनी टेल एंड हिज मदर सारी अ वेल स्टोन एंड बीट्स ज्वेलरी। एक लड़का है आता है, अ क्लोथ अराउंड द वेस्ट, कमर पे ऐसे कपड़ा लपेटा हुआ है, ठीक है, और वो रस्सी से बंधा हुआ है कपड़ा, उसका लंबे बाल हैं ऐसे जैसे लग रहा है कि सर पे कोई पोनी उनी किया है चोटी जैसा, और उसकी मम्मी साड़ी में है, सर पे पल्लू है, वेल मतलब उसे घूंघट होता है, सर पे पल्लू है और स्टोन और मतलब पत्थर और ऐसा मोती के गहने पहनी हुई हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देखो क्या होता है, तो 3000 BC का जो बॉय है वो क्या बोलते हैं, मी बो टू दी, ओल्ड इंग्लिश है बच्चों एकदम ओल्ड इंग्लिश, हाँ दी मतलब यू, मैं आपको मतलब आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको इसे झुकता हूँ, ठीक है। मी हंटेड डाउन द फूड फॉर आवर फैमिली, मैंने अपने फैमिली हमारी फैमिली के लिए शिकार किया, ठीक है, पहले लोग शिकार कर करते थे सब खाते थे, तो शिकार किया, ठीक है, तो वही सब लोग खाएंगे बाद में, इसके लिए बोल रहे हैं कि मैंने हमारी फैमिली के लिए भोजन के लिए हमने शिकार किया। मी हेल्प फादर टू कार्व स्टोन ब्रिक्स फॉर आवर न्यू हाउस, मैं पापा की मदद किया अपने नया घर बनाने के लिए, क्या किया मैंने, मी हेल्प फॉर मैंने पापा की मदद की टू कार्व स्टोन ब्रिक्स, पत्थर का ईंट बनाने में, हमारे नया घर उसका कोई बनने वाला था नया घर, तो उसमें ईंटों को मतलब उसके पापा ईंटे का काम करते रहे होंगे उस समय, तो बोल रहे कि मैंने पापा की मदद की नया घर बनाने के लिए ईंटों को कार्विंग किया पापा के साथ। मी डस्टेड आवर लेदर क्लोथ्स, मैंने अपने लेदर के क्लोथ को धोया, चमड़े के कपड़ों को धोया। मोल्डेड मड पॉट्स फॉर कुकिंग एंड पुट देम टू ड्राई, मिट्टी के बर्तन को शेप दिया, मतलब मिट्टी के बर्तन ये लोग पहले बनाते थे और उसको पकाते थे मतलब उसको आग में रखकर सेकते थे, उसी को बेक, ठीक है, एकदम उसको क्या करते थे, उसी में लोग खाना खाते थे, खाना बनाते थे। तो वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने मड के जो मिट्टी का जो सब पॉट मैंने अच्छे से बनाया, कुकिंग का जो बर्तन है वो सब मैंने बनाया कुकिंग के लिए, और उसको क्या किया, एंड पुट देम टू ड्राई, और उसे सूखने के लिए भी रख दिया। आई बासन में खाने का बर्तन मैंने बनाया मिट्टी का, देखो बच्चों क्या है ना, पहले मिट्टी का बर्तन बनता था, अभी भी बनता है मिट्टी का बर्तन, तो ये बता रहे हैं कि वो कैसा होता था मिट्टी का बर्तन, जो गीला गीला पहले मिट्टी से बनता है ना, शेप देते हैं, गीला गीला मिट्टी देता है तो वेट एकदम रहता है मड, तो उसको खूब अच्छे से शेप देते हैं, शेप देने के बाद उसको फिर धूप में सुखाया जाता है, ठीक। तो वही ये बोल रहे हैं कि बनाया और धूप में सुखा दिया। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है मैं बता रही हूँ, जब वो सूख जाता है धूप में बनाया हुआ बर्तन मिट्टी का, फिर उसको आग में रख के पकाया जाता है,
तो वो हल्का सा गिरुआ कलर का हो जाता है, आई बात समझ में, तब वो जल्दी नहीं फूटता। ओके आगे चलते हैं। हाँ, मी नीड योर काइंड परमिशन टू गो एंड प्ले चॉपर विथ मी फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि मुझे आपका काइंड परमिशन चाहिए, आपका बहुत दया भरा मुझे परमिशन चाहिए, इजाज़त चाहिए कि मैं खेलने जाऊँ चॉपर अपने दोस्तों के साथ। Why dost thou needs me to make me bad? बच्चों, ये जो dost है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब क्या, जैसे यू का मतलब तो पूरा का पूरा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है ना, जब यू को सिंगुलर बनाना होता है तो ये ओल्ड इंग्लिश में does की जगह पे ये dost है, आई बात समझ में। तो why dost you, तो मतलब क्या ज़रूरत है मुझे बिस्तर बनाने की। ओके चिल्ड्रेन, द बॉयज मदर, लड़के की माँ क्या बोलती हैं, बिकॉज मी से सो डू इट नाउ, क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ करो इसे, मतलब करो तुम बेटा, ऐसा मत बोलो, तुम करो बिस्तर बनाओ। ऑल मदर्स टू देयर सन्स इन टोन रिपीट डू इट नाउ विद द बॉयज आंसरिंग यस मदर। देखो बच्चों, जितने सारे वो जो माँ बेटे सब पीछे होते जा रहे थे, फिर नए आ रहे थे, नए मतलब ओल्ड, ठीक है, सब पास्ट वाले जो बाद में एकदम पास्ट वाले, एकदम ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं एकदम पास्ट वाले हैं, ठीक है, तो ये सब एक साथ सबकी मदर्स बोलती हैं कि डू इट नाउ, जोर से बोलती है सब लोग अपने बच्चों को, तो सारे बच्चे भी, सारे जो सन थे, बेटे थे, सब बोलते यस मदर, सब लोग बोलते यस मिस, यस बोलते ना वैसे ही। अब नील क्या बोलता है, जो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट में जो है लड़का, ओके सो यंग टीनेज बॉयज हैव हैड चोर्स टू डू आउटडोर्स एज वेल एज इन देयर होम्स। अच्छा, इसके लिए यंग टीनेज को, मतलब हम जैसे जो बच्चे हैं, उनको घर के भी काम करने चाहिए और बाहर के भी काम करने चाहिए, करने पड़ते हैं। मॉम बोलती वेरी मच सो, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत सारा काम करना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, मतलब सही समझे तुम। नील बोलता है आई विश आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम। मैं विश करता हूँ, मतलब काश मेरे पास एक रोबोट होता, ठीक है, जो मेरे अनटैडी रूम को टाइडी बना देता, मतलब बोलता है काश मेरे पास एक रोबोट होता तो मेरे सारे बिस्तर को सही करता। तो मॉम बोलती है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इफ़ यू ट्राई यू कैन मेक, अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम कर सकते हो, सच्चा रोबोट, ऐसा रोबोट बना सकते हो, बट इवन फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, पर इसके लिए भी तुमको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी। द बॉटम लाइन इज गो एंड मेक योर बेड। ये जो सीन चल रहा है बच्चों, कर्टन या देखो अभी पर्दा गिरता है, नीचे एकदम नीचे की लाइन में, सीन के नीचे की लाइन में लिखा रहता है गो एंड मेक योर बेड, जाओ और अपना बिस्तर सही करो। कहने का मतलब इसका सिर्फ बिस्तर से नहीं है बच्चों, कहने का मतलब इसका ये है कि अभी जाओ, आपका जो काम है अभी अभी निपटा लो, कर लो। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, लेकिन बस यूनिट थ्री के एक दो चैप्टर शायद से नहीं डाले हैं मैंने, वो मैं डाल दूँगी, और अगर आप पढ़ोगे तो मैं ज़रूर डालूँगी, मैं तो डालती हूँ, पर हमारे बच्चे शायद नहीं पढ़ते हैं। यूनिट फोर में भी एक दो चैप्टर बाकी डाल दूंगी भी। ओके बाय, थैंक यू।